हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ एक ऐसे मैट्रिक के जिसे हम बोलते हैं ईपीएस। ये एक अगेन एक ऐसा मैट्रिक है जो हमें बताता है कि कंपनी कितना प्रॉफिटेबल है और कितना कंपनी जो है पैसा कमा रही है आउटस्टैंडिंग शेयर्स में, जितने कंपनी के पास शेयर्स बचे है उसमें कंपनी कितना पैसा पर शेयर में बना रही है। ये हम हमेशा देखेंगे ईपीएस, क्योंकि जब भी हम कंपनीज को बाय करते हैं तो हमें ईपीएस देखना जरूरी है, कितना कंपनी कमा रही है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। इसे हम जानेंगे डिटेल में, सारी चीजें हम जानेंगे कि किस तरीके से हमें ईपीएस देखना है, क्या चीजें हमें देखनी है ईपीएस को चेक करते टाइम। सो आप प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि काफी ही ज्यादा ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है जब भी आप स्टॉक बाय करते हैं या किसी भी कंपनी को आप जब परचेज करते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म। सो आइए चलते हैं मेरे लैपटॉप की तरफ। सो गाइज, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ईपीएस के बारे में, जिसे हम कहते हैं अर्निंग पर शेयर। सो जैसे मैंने बताया, अर्निंग पर शेयर हमें बताता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को, और जितना ईपीएस ज़्यादा होगा कंपनी का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जितना बढ़ता रहेगा कंपनी का जो ईपीएस है, उतना ही जो कंपनी है वो प्रॉफिट में होगी और उतना ही जो इन्वेस्टर्स है वो कमाएगा। इसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, अभी आपको पूरी वीडियो देखनी है तभी आपको जो है समझ आएगा ईपीएस किसे हम कहते हैं और क्यों हमें देखना ज़रूरी होता है, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पे एक एफएमसीजी कंपनी लेते हैं, जिसे हम फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। सो उसका हम एक इनकम स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे बना रखा है, जिसको मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि किस तरीके से होता है। सो लेके चलिए, एक एफएमसीजी कंपनी है, उसने 2 करोड़ का जो रेवेन्यू पोस्ट किया है, ठीक है, जिसमें से उसका जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, जो भी उसका पैसा लगा है प्रोडक्शन में, वो 40 लाख लगा है, ठीक है। उसका मार्केटिंग एंड सेल्स का एक्सपेंसिस की अगर हम बात करें तो मान लीजिए वो 20 लाख लगा है, ठीक है। ऑफिस एंड एडमिन की बात करेंगे तो वो 30 लाख लगा है, ठीक है। यहाँ पे आप सारे फिगर्स देख सकते हैं। और बात करें अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, सो हम ये तीनों को माइनस करेंगे, ठीक है, 40 लाख्स, 20 लाख्स एंड 30 लाख्स, तो हमारा ये आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, विच इज़ 1 करोड़ 10 लाख्स का, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम देखेंगे इंटरेस्ट कंपनी ने पे किया है 36 लाख का। तो 36 लाख का इंटरेस्ट कैसे आया है वो मैं आपको बताता हूँ। सो सपोज कीजिए कंपनी के पास ना एसेट है 6 करोड़ के, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन किया एसेट है 6 करोड़ के, जिसमें से कंपनी ने डेट लिया है, डेट मतलब कर्जा लिया है 3 करोड़ का, और उसमें से जो इक्विटी है वो है 3 करोड़ की। तो 3 करोड़ + 3 करोड़ हो गया हमारा एसेट 6 करोड़ का। अब अगर कंपनी ने डेट लिया है तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, चाहे वो बैंक से लिया हो चाहे वो कहीं से लिया हो, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। सो हमने यहाँ पे एज्यूम किया है कि कंपनी मान लो एनुअली 36 लाख का जो है इंटरेस्ट देती है, ठीक है। अब हम इसको माइनस करेंगे जब 1 करोड़ 10 लाख से, तो हमारा फिगर निकल कर आएगा 74 लाख्स का। अब ये 74 लाख्स क्या है, ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी हमें यहाँ पे जो है टैक्स भी लेना है जो हम सरकार को देते हैं। अब जो भी अर्न करते हैं हम सरकार को देते हैं टैक्स, जैसे कि आप सब लोग जो भी जॉब करते हैं सैलरी में से अपनी टैक्स देते हैं, वैसे हर एक फर्म को टैक्स देना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे टैक्स लिया है 30% का, 30% का हमने टैक्स लिया है, वो आता है 22 लाख 20,000। अब हमारा जो नेट प्रॉफिट है, जिसे हम अर्निंग्स बोलते हैं, अर्निंग्स हम रेवेन्यू को नहीं बोलते हैं, ठीक है, हम अर्निंग्स बोलते हैं नेट प्रॉफिट को। तो ये जो हमारा अर्निंग्स आ गया, ये आ गया है 51 लाख 80,000 के आसपास, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ईपीएस का फॉर्मूला क्या है। तो ईपीएस को हम कैसे करेंगे, ईपीएस होता है नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कॉमन शेयर्स। सो ये बेसिकली क्या है, ये है आपका नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या है यहाँ पे हमारा 51 लाख 80,000, ठीक है। अब प्रेफर्ड डिविडेंड क्या है, सो कंपनी जब भी प्रॉफिट होता है और उसमें से जब भी डिविडेंड्स देती है अपने शेयर होल्डर्स को, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रेफर्ड। ये हमें माइनस करना ज़रूरी है, अदरवाइज ईपीएस जो है आपका गलत आएगा। सो हम ईपीएस ऊपर नीचे आएगा, जैसे कि मैं अभी आपको बैलेंस शीट पे दिखाऊंगा पीछे ले जाके कि किस तरीके से हम ईपीएस को जब कैलकुलेट करेंगे तो ईपीएस माइनस या डिफरेंस आपको वहां दिखेगा, जस्ट बिकॉज प्रेफर्ड डिविडेंड जो है हमें वो हटाना होता है इस वजह से। अब मान लीजिए नेट प्रॉफिट तो कंपनी का यहाँ पे हमें शो कर रहा है 51 लाख 80,000, ठीक है, हमने इसमें से प्रेफर्ड डिविडेंड माइनस कर दिया विच इज 1 लाख 80,000, और ये हमने नंबर एज्यूम किया है कि चलो कंपनी ने मान लो 51 लाख 80,000 का प्रॉफिट किया है, उसमें से कंपनी ने 1 लाख 80,000 दे दिए अपने शेयर होल्डर को एज अ डिविडेंड, ठीक है। और कंपनी के पास जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स है वो पड़े हैं 5 लाख, मतलब जिसे हम कॉमन शेयर्स कहते हैं वो है 5 लाख के। तो हमारा ये जो निकल कर आता है ईपीएस, वो निकल कर आएगा ₹10 का। अब ये ₹10 क्या है, और आप किस तरीके से पता लगाएंगे कि ये ईपीएस जो 10 है वो ज्यादा है कम है, मतलब आपको किस तरीके से पता चलेगा कि कंपनी का जो ईपीएस है वो क्या अच्छा होता है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे जैसे देखा भी है, द हायर अ कंपनीज ईपीएस द ग्रेटर द प्रॉफिट, जितना ज़्यादा ईपीएस होगा उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और ये ईपीएस हमें एनुअली चेक करना है पूरे साल का, वो जो मैं आपको आगे बैलेंस शीट पे भी दिखाऊंगा। सो आपका ये 10 रुपये क्या है,
तो 10 रुपये क्या है, मान लीजिए आपने 200 शेयर खरीदे थे, ठीक है, कितने के प्राइस पे, 150 के प्राइस पे, तो आपने कितना लगाया, 30,000 रुपये लगाया, ठीक है। अब 30,000 आपने लगाया तो अर्निंग्स जो है कंपनी की 10 आई थी, तो आपने क्या करा, 200 शेयर इंटू 10 कर दिया, तो मतलब हर एक शेयर पे आपके कंपनी ने 10 रुपये कमाए, तो 2,000 रुपये हो गए। अब ये 2,000 रुपये क्या है, आपने लगाए 30,000, कंपनी हर एक शेयर में कमा रही है 10 रुपये, तो आपका 2,000 रुपये आना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो अब कंपनी क्या करती है, जो भी पैसा कमाती है पर शेयर पे, या तो कंपनी उसे ग्रोथ में लगा देती है, मतलब कि ग्रोथ मतलब जैसे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर वो कैपेक्स करती है बड़े बड़े, जिससे कि आगे कंपनी और बड़ी हो, प्रॉफिटेबल हो, आप लोग पैसा कमाओ, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं, या तो कंपनी उनको देती है डिविडेंड की फॉर्म में, आपने देखा होगा बहुत सी कंपनी जो है बहुत ज़्यादा डिविडेंड देती है, सो वो कंपनीज क्या करती है, जो भी पैसा कमाती है ना वो सारा डिविडेंड्स में दे देती है, वो ग्रोथ में लगाती नहीं है। बहुत सी ऐसी कंपनीज आप देखोगे कि बहुत हाई डिविडेंड कंपनीज होती है और उनके कैश फ्लो अच्छा नहीं होता है, तब भी स्टिल वो डिविडेंड देती है। जैसे वेदांता की मैं यहाँ बात करूँगा, वेदांता जो है वो बहुत डिविडेंड देती है, बट वो ग्रोथ में पैसा लगा ही नहीं रही है। सो ये सारी चीज़ें, और उसके पास कैश भी नहीं है, डेट भी है। अब ITC के केस में देखेंगे आप तो ITC के पास क्या है, बहुत कैश है, कैश रिच कंपनी है, इतना कैश है कि ये लगा लीजिए मिड कैप जो कंपनी मार्केट साइज़ की कंपनीज होती है उनका उतना मार्केट कैप होता है जितना ITC के पास पैसा है। सो ऐसी कंपनीज होती है, डिविडेंड भी देती है, पैसा भी बड़ा है पीछे, बहुत सेफर साइड है। बट वेदांता जैसी कंपनी है, उनके पास डेट इतना है, इतना कर्जा है, उसके बाद वो जो क्या है पैसा कमा रही है, वो लोगों को बांट दे रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में देनी पड़ेंगी। अब ये तो हुई EPS की बात, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक बार इसको चेक करेंगे। यहाँ पे बैलेंस शीट मैंने ओपन कर रखी है, जैसे आप देख सकते हैं। सो ये बैलेंस शीट है, ये मैंने खोल रखी है बैलेंस शीट एशियन पेंट्स की, आप यहाँ पे देख सकते हैं एशियन पेंट की बैलेंस शीट है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आप यहाँ पे देखोगे, हम यहाँ पे लेते हैं मार्च 2023 का। अब देखोगे आप यहाँ पे है 34,489 का जो है इन्होंने सेल किया था। सो अगर हम 34,489 को माइनस करेंगे इनके एक्सपेंसिस से, विच इज़ 28229, तो हमारा जो फिगर आता है वो आता है 6,260 करोड़ के आसपास, ठीक है। अब मान लीजिए इन्होंने इसमें इनकम है, इनकी जो अदर इनकम्स हुई है, ठीक है, वहाँ पे इनको हुआ है 431 करोड़ का। तो हम क्या करेंगे, 6,260 पे हम ये ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम माइनस करेंगे उसमें से इंटरेस्ट, जो मैंने आपको बताया कि बैंक के पास, कंपनी के पास कुछ भी जो लोन्स होते हैं, पैसा उसने लिया होता है तो उसका इंटरेस्ट पे करना होता है। और यहाँ पे हमने लिया है डेप्रिसिएशन। अच्छा, वहाँ पे मैंने, अगर आप देखोगे तो मैंने डेप्रिसिएशन नहीं लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी होता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि कंपनी के कोई भी एसेट है जो डेप्रिशिएट होते हैं वो जो है कंपनी लेती है, ठीक है। सो एक परसेंटेज होता है जो हर साल कंपनी उसका डेप्रिसिएशन लेती है, तो वो जो डेप्रिसिएशन है वो अमाउंट यहाँ पर आ रहा है 858। अब ये अगर आप माइनस करते हैं, ठीक है, तो आपका जो फिगर आता है वो आता है 5,689 करोड़, जो हमारा हो गया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। अभी आप देखोगे कि कंपनी एज यूजुअल, जैसे मैंने आपको बताया, टैक्स पे करती है, तो इस साल कंपनी ने पे किया है 26% का टैक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी ने पहले 33% का टैक्स दिया है, 32% का भी टैक्स दिया है, 30% का भी टैक्स दिया है, बट मार्च 2023 की हम बात कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, तो उसमें कंपनी ने 26% का टैक्स दिया है। अब अगर हम ये टैक्स हटाएंगे तो हमारे पास आता है 4,195 का नेट प्रॉफिट, ठीक है। ये हमारा हो गया नेट प्रॉफिट। अब हम क्या करेंगे, अब हमें नेट प्रॉफिट मिल गया है, ठीक है। अब हमें निकालना है EPS। EPS के लिए हम क्या करेंगे, हम कंपनी के पास देखेंगे कितने नंबर ऑफ जो है इक्विटी शेयर्स हैं। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कंपनी के पास 95.9 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसको 95.5 को हम यहाँ पे 4,195 से डिवाइड करेंगे। सो आप देख सकते हैं 4,195 को हम जब डिवाइड करते हैं 95.9, तो हमारा निकल कर जो फिगर आता है वो आता है आपका 42.81। अब यहाँ पे आ रहा है 42.81, बट जब आप 4,195 को आप करोगे डिवाइड 95.9 को, तो आपका जो फिगर निकल कर आएगा, आप अभी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो निकल कर आएगा 43.74। अब ऐसा क्यों कि ये 43.74 आ रहा है और यहाँ पर जो आ रहा है वो आ रहा है 42.81। सो जैसे मैंने आपको बताया है कि हमें हमेशा प्रेफर्ड डिविडेंड को माइनस करना है। अब एशियन पेंट ने इस साल डिविडेंड दिया है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कितना रेशियो, कितना परसेंट डिविडेंड दिया है, तो यहाँ पे दिखा रहा है 0.80% का डिविडेंड दिया है। तो आप जब इसमें से 0.80 के आसपास या 0.75 के आसपास जब आप माइनस करोगे, तो आपका जो ये EPS निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 42.81। अब आपको EPS भी मिल गया, अब आपको देखना क्या है, अब EPS में आपको देखना क्या है कि इनका जो EPS है वो ग्रो हो रहा है एनुअली हर ईयर या नहीं हो रहा है। सी, अगर EPS ग्रो होगा ना, जैसे यहाँ मान लीजिए यहाँ पे 10.31 था, यहाँ पे 11.61 था, यहाँ पे 12.71 हुआ, अगर ये
ग्रो होगा एनुअली, तभी आप लोग पैसा कमा पाओगे, अदरवाइज आप लोग पैसा नहीं कमा पाओगे। इसके साथ साथ आपको पीई रेशियो भी देखना है, जो यहाँ पे हम देख रहे हैं स्टॉक का पीई 66 है। ये मैंने इस पर कंप्लीट एक वीडियो बना रखी है पूरी, आप जाके मेरे देख सकते हैं। और अगर आप ये लोग समझ गए कि ईपीएस क्या है, पीई क्या है, ठीक है, सेल्स क्या है, आरओसी क्या है, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से ये सारी चीज़ें देख सकते हैं बैलेंस शीट में एंड आप खुद से स्टॉक को बाय कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देखिएगा पीई, जिससे आपको और क्लैरिटी मिले कि ईपीएस को हमें और किस तरीके से देखना है, क्योंकि एक सिर्फ यही पैरामीटर नहीं है जिसमें आप रिलाई करोगे कि हाँ यहाँ पे ईपीएस ग्रो कर रहा है तो मैं ये कंपनी को ले लूँ, ऐसा नहीं होता है, हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। ठीक है, अभी यहाँ पे आपने देख लिया 42.81 है, यहाँ पे 31.59 था, और यहाँ पे 32.73 था, यहाँ पे सो कंटिन्यू आप देख रहे हैं कि ईपीएस ग्रो कर रहा है 2020 से 2023 तक, तो इसका मतलब ये नहीं है आप उठा लोगे कंपनी को जाके, आपको पीई भी देखना है कि कंपनी स्टिल अभी इस जो प्राइस पे है वो महंगी है या सस्ती है। सो आपको ये सारी चीज़ें देखनी है एंड देन उसके बाद आपको एक डिसीजन लेना है। सो अभी आप समझ गए होंगे कि ईपीएस क्या होता है, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स में बनाने वाला हूँ। सो प्लीज़ आप इस पेज को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, सो दैट मैं उस पर वीडियो बना सकूँ, और उस पर जो भी आपकी क्वेरीज होगी मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड स्टे सेफ।